आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ कुछ बड़ी खबरें। यूपी में वैक्सीन महाअभियान की शुरुआत की गई। सरकार ने 1 जून के महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य रखा है। सरकार इस अभियान के प्रति बेहद गंभीर है। सभी वजह है कि वैक्सीनेशन में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ेगी। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर योगी सरकार ने अफसरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन अभियान को और रफ्तार देने के लिए निर्देश भी अफसरों को जारी किए हैं, ताकि समय पर वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया जा सके। 1 जुलाई से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में 1 जून से शुरू हुए वैक्सीनेशन महाभियान के तहत पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। मुख्यमंत्री योगी ने वैक्सीन सेंटरों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। तो वैक्सीन को लेकर लगातार वैक्सीन रन बड़े स्तर पर चालू करने के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर बड़े स्तर पर वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 1 जून से लगातार वैक्सीन सेंटरों पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, इसे सुनिश्चित सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वयं द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार जो कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार जिसे माना जा रहा है, उसे वैक्सीन माना जा रहा है, और वैक्सीन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इसको जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह से पहल देखने को मिल रही है, क्या कुछ ग्राउंड पर इस वक्त वैक्सीन को लेकर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल कीर्ति, आपको बता दें कि जैसे 1 जून से लेकर सिलसिलेवार 1 करोड़ वैक्सीन का अभियान चलाया गया था, जिसको लेकर 30 जून को रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही 45 जिलों में और 18 बूथों पर जाकर निरीक्षण किया था, जिसके बाद से 1 करोड़ वैक्सीन का अभियान को 1 जून से 30 जून तक, और हाल फिलहाल अगर माने तो 2 जून तक लगभग 3.5 लाख वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। जी जी, वैक्सीन अभियान को लेकर कौन तमाम जो सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर अभी इस वक्त लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी सुनिश्चित किया गया है कि उन लोगों को वैक्सीन दी जाए, तो वहां की क्या स्थिति है? क्या वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए लोगों को वैक्सीन दी जा रही है? किस तरह की स्थिति वहां पर देख रहे हैं हम, क्योंकि कई केडी सिंह बाबू स्टेडियम समेत कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर कोविड की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें पूरे कार्यक्रम पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं। सभी जिलों के कप्तानों को, सभी जिलों के डीएमओ को लगातार निर्देश दिया गया है कि जहां भी वैक्सीनेशन चल रहा है वहां बराबर दौरा करें, किसी तरह की कोई चूक ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। इसको देखते हुए हर जिले के डीएम संभावित जितने बूथ बनाए गए हैं सब पे दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं सभी से, सारे लोगों का संज्ञान ले रहे हैं। मतलब विशेषकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर पहलू पर खुद नजर बनाए हुए हैं। जी, वैक्सीन को लेकर अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, उत्तर प्रदेश में कितने लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इसका कुछ आंकड़ा? देखिए, इस समय करीब 1.75 करोड़ वैक्सीन लगाए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में अब तक, और बहरहाल अभी 2 जून तक इस महाअभियान में, जिसके लिए केंद्र सरकार ने भी योगी सरकार की तारीफ की है, 2 जून तक लगभग 3.5 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 17 मई तक 1 करोड़ वैक्सीन लोगों को दे दी गई थी, हालांकि मैं आपको बता दूं, लेकिन अभी जो है उसकी कुछ रफ्तार में कुछ तो ज्यादा वृद्धि की दर्ज की गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वृद्धि की गई है। 1 जून से 2 जून में करीब 4 लाख वैक्सीन लगाई गई लगभग, क्योंकि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। जो ये अपना 1 करोड़ वैक्सीन का टारगेट है 1 जून से 30 जून का, उसके मद्देनजर आपका 3.5 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और अभिषेक, अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो क्या लोगों को वैक्सीन को लेकर किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन को लेकर लोग परेशान है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वैक्सीन की कमी दर्ज की जा रही है, तो जो लोग फर्स्ट डोज लेने जा रहे हैं या जो लोग सेकेंड डोज लेने जा रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है वैक्सीन को लेकर? जी बिल्कुल कीर्ति, आपसे बताना चाहेंगे हम, क्योंकि शुरू में कुछ ऐसी भ्रामक विपक्ष द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जा रही थी कि वैक्सीन को लेकर लोग डरे हुए थे, मगर धीरे धीरे लगातार योगी आदित्यनाथ और तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसकी वजह से वैक्सीन को लेकर जागरूक किया गया,
तो अचानक से लोड पड़ने की वजह से वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन में कभी कभार सर्वर में दिक्कत आती है, लेकिन जी भारी मात्रा में लोग इस समय लाइन लग रही है। आप केडीसी बाबू स्टेडियम देख लीजिए, जिलों में लगातार जितने बूथ बनाए गए वहां पे, तो वैक्सीनेशन को एक प्रॉपर कोविड फॉलो करके वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हर तरह से योगी सरकार इस पर नजर बनाई हुई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर इस वैक्सीन का प्रयोग किया जाए। बिल्कुल अभिषेक, और इसके साथ ही जो विदेशी वैक्सीन्स की जब हम बात कर रहे थे, तो स्पुतनिक वी को सबसे ज्यादा इस वक्त तवज्जो दी जा रही थी, और ये कहा जा रहा है कि स्पुतनिक वी जल्द ही जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी तमाम राज्यों को। तो क्या लगता है कब, किस माह तक यूपी में स्पुतनिक वी की आपूर्ति मिलने लग जाएगी? बिल्कुल, आपको बता दें अभी आज हाल फिलहाल में आज केंद्र सरकार ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन के लिए बायोटेक को पैसा जमा किया है, 15,000 करोड़ रुपए। जी रही स्पुतनिक की बात, स्पुतनिक अभी इस साल के अंत तक आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है अभिषेक, मैं बल्कि स्पुतनिक वी की, कोविडशील्ड हमारे जो वैक्सीन है ये बहुत ही कारगर मानी जा रही है, इसलिए प्रदेश सरकारें इस पर ज्यादा जोर दे रही है। स्पुतनिक अभिषेक इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कब तक लोगों को मिल पाएगी, मैं इसका सवाल आपसे कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में कब तक स्पुतनिक वी की जो खेप है वो मिल जाएगी? स्पुतनिक खेप दिसंबर माह तक कोशिश किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आ पाए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार ये वैक्सीन को लेकर अभियान चलाया जा रहा था, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार लोगों को ये निर्देश दे रहे हैं और वैक्सीन रन को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ अभिषेक मनी त्रिपाठी जुड़े थे ग्राउंड लेवल से हमें रिपोर्ट देने के लिए कि किस तरह से वैक्सीन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है केडी सिंह बाबू स्टेडियम समेत और भी सेंटर्स पे, जहां पर कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहां पर लगातार लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तमाम 23 करोड़ की जनता जो है वो वैक्सीन उन्हें मिल सके। वहीं अगली बड़ी खबर पर हम बढ़ते हैं, और विधानसभा के चुनाव में महज अब कुछ ही महीनों बाकी हैं। भाजपा सरकार, सपा, कांग्रेस समेत बीएसपी भी चुनावी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन इस बीच एक बार फिर मायावती ने चुनाव से पहले मिशन छटनी अभियान चलाया है। उन्होंने बीते कल पार्टी के पुराने सिपा सलाहकार और काशीराम के वक्त के नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया। बता दें कि बसपा के इन दोनों नेताओं को मायावती का करीबी माना जाता था, जिसके चलते पार्टी में इनका कद काफी बड़ा था। राम अचल राजभर बसपा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे, इसके अलावा वो लंबे समय तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी को भी निभा चुके हैं। वहीं लालजी वर्मा भी अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते रहे और बसपा विधायक दल के नेता भी थे। तो लगातार एक और जब हम बात करते हैं राजनीति की, तो वहीं हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से अगर आप राजनीति में उतरते हैं तो आपके साथ तमाम दल होते हैं, उसके तमाम दलों की शक्ति आप के पास होते हैं, उसके बावजूद बीएसपी की अगर हम बात करें तो लगातार छटनी की जो प्रक्रिया है वो चलती जा रही है। तो वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मार्तन जुट चुके हैं। मार्तन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो लगातार बीएसपी में विधायकों की छटनी का जो दौर है वो लगातार जारी है, तो क्या कुछ लग रहा है 2022 के चुनाव में बीएसपी कितनी ताकतवर है और विधायकों की ये छटनी के चलते कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है? जी देखिए, जो बसपा सुप्रीमो है वो लगातार अपने फैसलों से चौंकाती रही है। वैसे पहले भी जो उन्होंने कई फैसले किए, लगातार विधायकों को 18 में से लगभग 11 विधायकों को अब तक जो है उन्होंने निलंबित कर दिया है। और अगर इसको देखें तो ये दो नेताओं को जिनको निकाला गया, जहां एक तरफ दूसरी पार्टियां, चाहे विपक्ष की समाजवादी पार्टी हो या सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो, जहां ये एक तरफ अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन बोर्ड में उत्तर प्रदेश आ चुका है और अगले साल जो है यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सारी पार्टियां इलेक्शन मोड में है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी जो है अपने विधायकों को निकालती है, और साथ ही जो है ये जो दो विधायकों को निकाला गया, ये महज विधायक ही नहीं, ये एक जो जातिगत समीकरणों को अगर देखें, जातिगत समीकरणों का बहुत महत्व रहता है उत्तर प्रदेश में, जातिगत समीकरणों को देखें तो ये कुर्मी वोट बैंक जो जाति से आते हैं, और कुर्मी वोट बैंक लगभग 9 से 10% जो है कुर्मी वोट है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि मतलब पिछड़ा वर्ग है उसका अति महत्वपूर्ण ये मतलब एक घटक है कुर्मी वोट। तो इसको अगर इन लोगों को ऐसे हटाया जाता है, जाहिर तौर पर ये आने वाले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएंगी, लेकिन अब चूंकि ये फैसला खुद बसपा सुप्रीमो ने लिया है और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि ये लगातार लोग जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में रहे, लेकिन जो अंदरूनी कहानी है वो कुछ इस तरह की है, ये दोनों नेता कहीं ना कहीं दूसरे दलों के संपर्क में थे। इनमें से जो है बताया जा रहा है कि इसमें से एक नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके थे, जिसकी कहीं ना कहीं भनक जो है मायावती तक पहुंची थी और इसकी सूचना मायावती
वो मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ अगर लालजी वर्मा की बात करें तो लालजी वर्मा लगातार पंचायत चुनाव में निष्क्रिय रहे, अपने स्वास्थ्य का हवाला देके, लेकिन जो अंदर खाने की बात थी वो इस तरीके की थी कि ये अपनी पत्नी को वोट टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। हालांकि इनकी पत्नी को वोट मिला, लेकिन इनकी पत्नी को वोट मिलने के बाद जो और करीबी थे जिनको चाहते थे तो वोट इनको जो टिकट मिले उनको टिकट उनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी का भी टिकट वापस कर दिया था। बिल्कुल मातन, लेकिन आप जातीय समीकरण, बिल्कुल मातन आप जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, अगर उस पर मैं आती हूं और जिस तरह से लगातार विधायकों की छटनी जारी है, तो आपको क्या लगता है किन जातीय समीकरणों के को लेकर आगे बीएसपी 2022 के चुनाव में उतरने वाली है, और किस तरह से लगता है कि क्या इस बार भी बीएसपी पिछड़ा वर्ग और जिस तरह से पंडितों को लेकर वो एक उन्होंने जातीय समीकरण बैठाया था और उसको लेकर जीत भी हासिल करी थी, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है या किसी और चीज के आगे अग्रसर होने वाली है मायावती? जी देखिए, मायावती चूंकि बसपा के सुप्रीमो है, जाहिर बात है उनको भविष्य की चिंता होगी, और बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही है मायावती, और उसके बाद जो है इनकी इनका दल विपक्ष में रहा है, फिर भी मजबूती से रहा है। लेकिन आप इन दोनों नेताओं की अगर बात करें तो देखिए, ये जिस जाति से आते हैं कुर्मी, ये 9 से 10% जो है कुर्मी वोट बैंक है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसका एक बहुत स्ट्रांग होल्ड है जो पिछड़ा वोट टोटल 35 से 37% के आसपास पिछड़ा वोट है पूरे उत्तर प्रदेश में। और मायावती लगातार जो है ये जो नेता है ये काशीराम के समय से इनसे जुड़े हुए हैं, और जिस समय से बसपा का गठन हुआ उस समय से लगातार जुड़े हुए हैं, तो जाहिर तौर पे ये वोट बैंक जो था ये अभी तक मायावती के पक्ष में था, और जिसकी वजह से वो 2007 में सत्ता में भी आई, और उसके बाद अगर ये जो फैसला अगर मायावती ने लिया है तो जाहिर तौर पे इनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। लेकिन अगर जातीय समीकरणों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनका ये फैसला पार्टी को ही कमजोर करता है, क्योंकि ये दोनों नेता अंबेडकर नगर से आते हैं और पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है, और लगातार जो है ये पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, और पूर्वांचल में जो वोट वितरण होता है बहुजन समाज पार्टी का, इनका काफी प्रभाव रहा है लगातार, और ऐसे में अगर हटाया जाता है तो जाहिर तौर पर जो है ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को असर डालेगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी लगातार दलित और पिछड़ा वोट को लेकर आगे बढ़ती रही है, दलित वोटों पर इनका स्ट्रांग होल्ड है, तो जाहिर तौर पर ये मार्टन, लेकिन जिस तरह से 2012 में अगर हम बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा को हटाया गया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को भी पार्टी से अलग किया, अब विधायकों की जो स्थिति है वो काफी कम रह गई है बीएसपी में, तो आपको क्या लगता है 2022 में कहां स्टैंड कर रही है बीएसपी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक गुम होती नजर आ रही है पार्टी, पंचायत चुनाव की बात कर ले या हम पिछले चुनाव की बात कर ले। जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2012 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर, उसके बाद लगातार उनके ग्राफ में गिरावट आती रही, उसी का नतीजा था कि कई बड़े नेता नसीमुद्दीन, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, उसके बाद ये आपके स्वामी प्रसाद मौर्य और जो उस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्होंने एन विधानसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी एक कद्दावर नेता थे, पूर्वांचल के कद्दावर नेता माना जाता था, उनका भी स्ट्रांग होल्ड था, उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि बिल्कुल मैं आपसे वही आपसे पूछ रही मार्टन, की जिस तरह से बड़े बड़े चेहरे लगातार हटते जा रहे हैं और दूसरे पार्टियों में शामिल होते जा रहे हैं, अभी 2 विधायकों को भी हटा दिया गया है, तो बीएसपी कहां स्टैंड कर रही है, क्या लगता है जिस तरह से तैयारियां हैं, क्या मायावती अकेले ही रण में कूद कर जीत हासिल कर पाएंगी? जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ ये हमेशा रहा है कि चेहरा मायावती ही होती है, और जो उनका वोट बैंक है वो मायावती पे ही विश्वास करता है, वो मायावती के चेहरे को देखकर ही वोट देता है, तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं बात मायावती के दिमाग में है। और अगर बात करें इन दोनों नेताओं की तो इसमें से राम अचल राजभर, मायावती हमेशा अपने इमेज को क्लीन करने पर विश्वास करती है, उनके ऊपर कोई दाग ना लगने पाए, चाहे ताज कॉरिडोर मामला था उसके बाद कई आरोप लगे, लेकिन फिर भी मायावती जो है बैकफुट पे नहीं गए, लगातार फ्रंटफुट पे रही। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो इन रामाचल राजभर पे कई मामले चल रहे थे, कई जांचें चल रही थी, तो लगातार पार्टी चाह रही थी कि कहीं ना कहीं इनसे छुटकारा पाया जाए, और वो पंचायत चुनाव ने इनको मौका दिया, तो कहीं ना कहीं एक इमेज सुधारने की भी कोशिश है बहुजन समाज पार्टी की कि हम साफ सुथरी छवि वाले हैं, क्योंकि वो लोग 2002 में जब सत्ता में थे तो लगातार इस तरीके के फैसले उस समय भी देखे गए, चाहे अधिकारियों के ऊपर हो चाहे नेताओं के ऊपर हो, जिनके ऊपर भी आरोप लगा। बिल्कुल, लेकिन उस समय हमने ये भी देखा था कि जिस समय उन्होंने जीत हासिल करी तो सतीश चंद्र मिश्रा एक ऐसा नाम था जिन्होंने स्वर्ण जाति को अपनी ओर खींचने में, बीएसपी की ओर खींचने में बड़ा योगदान दिया था, तो क्या ऐसा कोई चमत्कार इस बार भी 2022 में देखने को मिल सकता है?
जी बिल्कुल, अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी की बात की जाए तो वो जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं वो बसपा के लगातार बसपा के ही करीबी रहे हैं, और उन्होंने आज के तौर समय की बात की जाए तो एक चेहरे के रूप में वो भी उभर चुके हैं, और ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अपना अहम भूमिका अदा करता रहा है। तो ऐसे में ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाहिर तौर पर अगर बहुजन समाज पार्टी में कोई है इस समय तो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस इनके चेहरे को लेकर भी पार्टी आगे बढ़ सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन वोट बैंक से जिस वोट बैंक से सत्ता हासिल की जाती है वो पिछड़ा और दलित वोट बैंक है। अब जी इसमें देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मायावती ऐसे किस चेहरे को सामने लेके आती हैं जो इन दोनों वोट बैंकों पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखे हैं। हालांकि मायावती अपने आप में खुद एक चेहरा है जो कि किसी भी वोट बैंक को छिटकने से बचा सकती है, लेकिन फिर भी संगठन को संभालने के लिए और जो लोग हैं दूर दरार के क्षेत्रों में बिल्कुल जो अपने नेता को चाहते हैं जो लोकल लेवल पे काम करें, ऐसे में किसी ना किसी ऐसे चेहरे को जरूर लाना पड़ेगा। ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि मायावती किस चेहरे को आगे करती है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो लगातार जो है बैठकें कर रही हैं और उनके अपने जोनल कोऑर्डिनेटरों से कोऑर्डिनेट करके वो कहीं ना कहीं से हाल ले रही हैं क्षेत्रों का कि किस तरीके से समीकरण बिठाया जाए, क्योंकि उनके सामने चुनौती मजबूत है। मायावती ने ये भी बोल दिया है कि उनकी पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, तो उनका सामना जाहिर दो बड़ी पार्टियां समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी बिल्कुल भारतीय बहुत जनता जरूरी पार्टी है से, कि इस बार तो ऐसे ये देखना अहम हो जाता है मार्तन की जिस तरह से अगर विधायकों के बिना किस तरह से मायावती अकेले दम पर और आगे किस जादू के साथ वो कौन सा ऐसा मंत्र फेरने वाली है कि 2022 के चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित हो सके, ये भी देखना अहम होगा। और किन मुद्दों को लेकर वो आगे आती है ये भी काफी अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार बीएसपी से विधायक दल के नेताओं की छटनी लगातार जारी है। बड़े चेहरे लालजी वर्मा और जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी को भी संभाले हुए थे उनको हटाया गया है। तो इसके बाद रामाचल राजभर की बात करें तो वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे बीएसपी में। इन दोनों नेताओं के हटने बाद ये किस पार्टी में जाते हैं इस ओर भी ध्यान काफी ज्यादा लोगों को यही सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि रामाचल राजभर अब किस पार्टी में जाते हैं और किस तरह से बीएसपी अपने आप को 2022 के आगामी चुनाव के लेके मजबूत करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।